थोड़ी सी ले ली, दो दो बार में डाल दियो। ये मेन मिल से क्या चावल कुछ था पेज में 180। हाँ देखो और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान के लिपाई पुताई के लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर शाहू की माता थी, मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब छह भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू किससे बोली कि क्या मांगती है। बस साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुए निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे बहू। शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो,
कहीं छोटी बच्ची का याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची से चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हो ही बना रही है, खूब अध्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ थोड़ी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी। सो मैंने कोक बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोक खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोक खोली खोलती जाना। कहता कि सुनता कि हूँ कारा भरता कि इसके बाद विंदाई जी के जय शाह जय विष्णु।